कुरान को जो न माने मुसलमान नहीं है, हिंदू आस्था के ग्रंथों को जो न माने वो हिंदू नहीं है, और देश के संविधान को जो नहीं माने वो भारतीय नहीं हो सकता। बिहार में मुसलमान असुरक्षित हैं, लगातार मॉब लिंचिंग की कई घटनाएं हुई है। इस तमाम बातों को लेकर अख्तरुल इमाम जो AIMIM के विधायक है, उन्होंने आज सदन के पटल पर अपनी बातों को रखा है और सरकार से जवाब मांगा है। पूरे बयान को सुनिए, क्या कुछ कह रहे हैं अख्तरुल इमाम। लोगों की मॉब लिंचिंग अब तक हुई है, दो की पटने में, एक गुल्लाज की हुई, फिर समस्तीपुर में तीन की हुई। इस मामले में सरकार अपना बयान दे और उन लोगों को फांसी की सजा दे, स्पीडी ट्रायल कराए। दूसरा मामला सर, एक बात, कुरान को जो न माने मुसलमान नहीं है, हिंदू आस्था के ग्रंथों को जो न माने वो हिंदू नहीं है, और देश के संविधान को जो नहीं माने वो भारतीय नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया। संविधान में नागरिकता के विरुद्ध हमारी नागरिकता को समाप्त करने की बात कही जा रही है। अच्छी बात आ रही है, सकारात्मक बात आ रही है। ये मुसलमानों के बारे में कहा जाएगा कि उसको नहीं, अच्छी चीज है। आपका आपका आप बैठ जाए, बैठिए। अब माननीय सदस्य, आपने सुना बिहार विधानसभा बजट सत्र का आज दूसरा दिन है और आज लगातार इस तरह के कई सवाल जो है सदन में गूंजे, मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर, वोटिंग राइट्स को लेकर। और आज आपने सुना अख्तरुल इमाम ने जिस तरीके से अपनी बातों को रखा है और कहा है कि बिहार में मुसलमान जो है सुरक्षित नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मॉब लिंचिंग की एक के बाद एक कई घटनाएँ हुई हैं, इन तमाम मसलों पर सरकार जो है वो जवाब दे। और साथ ही साथ अख्तरुल इमाम ने यह भी कहा है कि जो कुरान को नहीं मानता है वो मुसलमान नहीं है, जो हिंदू ग्रंथ को नहीं मानता है वो हिंदू नहीं है। ठीक उसी प्रकार जो देश के संविधान को नहीं मानता है वो देश हित में कैसे बोल सकता है, वो देश हित, देश प्रेम उसे नहीं कह सकते, यानी कि देशद्रोही है। आपने सुना अख्तरुल इमाम AIMIM की विधायक दल के नेता भी हैं, साफ तौर पर मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर उन्होंने सरकार को चेताया और साथ ही साथ जवाब भी मांगा है।